कम था कि बहन को बहन की सौतन बना दिया था टीवी की दुनिया ने कि अब भाई भाई का दुश्मन हो गया है। हम बात कर रहे हैं सीरियल कुंडली भाग्य की, जहां राजवीर को शौर्य ने कमरे में बंद कर दिया है। सेलिब्रेशन हो और उसमें कोई ड्रामा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और शौर्य निधि तो ड्रामे के साथ कदम से कदम मिलाकर ही चलते हैं। काव्या के रोके में शौर्य ने ऐसी चाल चली है कि राजवीर, करण और पूरे घर वालों की आंखों में चोर साबित हो सके। अब पता नहीं शौर्य के पास कितना पावर है इस सिचुएशन में, बट निधि का साथ तो है और उस साथ के साथ दिमाग चलाकर शौर्य ने अपनी एक चाल चली है। तो देखते हैं कि ये चाल कितनी कामयाब होती है, क्योंकि अब तक तो शौर्य की चालें फेल होती जा रही है। चलिए आपको इनकी साजिश के बारे में बताते हैं। राजवीर को निधि तिजोरी से कुछ पैसे लाने के लिए कहती है, लेकिन तिजोरी में पैसों का नामो निशान नहीं है। और जिस कमरे में राजवीर पैसे लेने जाता है, उस कमरे का शौर्य दरवाजा बंद कर देता है ताकि राजवीर उस कमरे से निकल ना पाए। जैसे तैसे राजवीर अपना दिमाग लगा के उस कमरे की खिड़की से निकल आता है, लेकिन तब तक निधि और शौर्य ने वालों के मन में राजवीर को लेकर शक पैदा कर दिया है। तो इस बार शायद डिफरेंट हो, क्योंकि निधि का साथ है जैसे मैंने कहा। और सच कहूं तो टॉर अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी शौर्य के दिन आए ही नहीं है, अभी वो प्री गेम चल रहा है। असल गेम मोड ऑन होगा जब ये कहानियां साइड की साइड में जाएंगी और शौर्य की कहानी सामने आएगी। बाकी घर वालों का तो पता नहीं, लेकिन करण इतने आसानी से इनकी इस कहानी पे भरोसा नहीं करने वाला। उसे भनक लग गई है कि दाल में कुछ काला है। तो शौर्य और निधि, आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि राजवीर अब अकेला नहीं है, उसके साथ करण और प्रीता दोनों उसकी ढाल बनकर खड़े है। से प्रथम शानवाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।